फिल्म मेकर करण जौहर के शो कॉफी विद करण के हर एपिसोड पे कोई ना कोई सनसनीखेज खुलासा होता ही है। कुछ ऐसा ही हुआ इस शो के लेटेस्ट एपिसोड में, जहां आमिर खान अपनी पत्नी किरण राव के साथ नजर आए। उन्होंने उनके खास दोस्त सलमान खान को लेकर एक राज की बात बताई। बातचीत के दौरान आमिर ने बताया कि एक जमाने में उन्हें सलमान खान से सख्त नफरत थी। जी हाँ, आमिर ने खुलकर बताया कि अंदाज अपना अपना की शूटिंग के दौरान सलमान सेट्स पर हमेशा लेट आते थे, इस वजह से परफेक्शनिस्ट आमिर उन्हें नापसंद करते थे। आमिर ने बताया कि उनकी सलमान से दोस्ती हुई तब जब उनकी पहली वाइफ रीमा से उनका तलाक हो रहा था। उन दिनों आमिर काफी अकेले पड़ गए थे, ऐसे में सलमान ने उनकी लाइफ में एंट्री मारी एक दोस्त की तरह। एक दिन वो दोनों साथ शराब पीने बैठे और धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो गई। ये तो रहे आमिर और सलमान के दोस्ती के किस्से। करण जौहर ने किरण राव से पूछा कि अगर वो एक सुबह कटरीना कैफ बन गई तो क्या। इसके जवाब में आमिर एकदम से बोले कि अगर ऐसा हुआ तो वो बहुत खुश होंगे, क्योंकि वो कैटरीना के बगल में लेटे होंगे। वैसे करण जौहर अपने हर गेस्ट से कैटरीना से जुड़ा सवाल आखिर क्यों पूछते हैं, क्या आप जानते हैं? जो भी हो, आप हमें बताइए कि आपको कैसी लगती है आमिर और सलमान की दोस्ती, अपने कमेंट्स द्वारा हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड की गर्मा गर्म गपशप के लिए देखते रहिए बॉलीवुड मसाला। हाय, मैं हूँ रोजलीन खान, और अगर आप बहुत सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड मसाला को।